गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल स्टार्ट चैप्टर 5 मल्टीप्लिकेशन. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल टुडेज मॉरल इज लाइफ इज लाइक राइडिंग ए बाइसाइकिल, टू कीप योर बैलेंस यू मस्ट कीप मूविंग. दिस मीन्स लाइफ क्या है, एक बाइसाइकिल राइडिंग करने के समान है, एक साइकिल चलाने के समान है. क्यों, टू कीप योर बैलेंस यू मस्ट कीप मूविंग. जैसे आप जो बच्चे साइकिल चलाते होंगे वो देखते होंगे कि अगर आप बैलेंस ना बनाइए तो क्या करें, तो आप गिर जाओगे, आप मूव नहीं कर पाओगे. इसी तरह से हमें लाइफ के साथ भी बैलेंस बनाना पड़ता है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमारे लिए अच्छा है क्या बुरा है, हर चीज़ के लिए हमें अपनी लाइफ में बैलेंस बनाना ज़रूरी होता है. अगर आप बैलेंस बना के नहीं चलोगे तो आप क्या हो जाओगे, आप गिर जाओगे. दिस मीन्स आपको लाइफ में बहुत ही परेशानियों का सामना पड़ेगा, करना पड़ेगा, बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ेगा, आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे. ओके, जो लोग बैलेंस बना के चलते हैं, जो ये सोचते हैं कि क्या उनके लिए अच्छा है क्या उनके लिए बुरा है, क्या उनको करना चाहिए क्या उनके लिए ठीक नहीं है, तो वो लोग आगे क्या करते हैं, आगे प्रोग्रेस करते हैं. नाउ कम टू द पॉइंट मल्टीप्लीकेशन. ओके, व्हाट इज मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन क्या है. मल्टीप्लीकेशन का साइन देखो बच्चों क्या होता है, ये क्रॉस, क्रॉस की तरह हम मल्टीप्लीकेशन का साइन बनाते हैं. ओके, अब आप जो टेबल रीड करते हो 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 ये क्या होता है, ये मल्टीप्लीकेशन के ही बेस पे होता है. ओके, हम 2 में 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 2 मिलता है, 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4, 2 में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं 6, 2 में 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 8. अब ये मल्टीप्लिकेशन कहाँ से आया, इसकी हमें आखिर क्यों इसका यूज करना पड़ता है. ओके, तो ये मल्टीप्लिकेशन आपका क्या है, ये इसका बेस एडिशन है, ये एडिशन का ही शॉर्ट फॉर्म है. ओके, ये जो है एडिशन का ही शॉर्ट फॉर्म है, एडिशन का ही, एडिशन से ही ये मल्टीप्लिकेशन क्या हुआ, प्रिपेयर हुआ है. अब आप सोचोगे एडिशन से कैसे, सपोज करिए ये आपकी टॉफ़ी है, कई ग्रुप में है. ओके, ये हमने टॉफ़ी ड्रा की, ये ओके, ये देखिए यहाँ पर टॉफ़ी है, हमने टॉफियों का क्या किया, ग्रुप बना दिया. ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकेंड ग्रुप है, और ये क्या है, थर्ड ग्रुप है आपका. अब आपसे कहा जाए कि बताइए टोटल कितनी टॉफीज़ हैं, टोटल कितनी टॉफीज़ हैं, तो हम सीधे सीधे काउंट कर लेंगे, ऐड कर देंगे उसको 1 2 3 4 5 6. आपने इनको ऐड करके बता दिया हर ग्रुप में, फर्स्ट ग्रुप में टू टॉफीज, सेकेंड ग्रुप में 2 टॉफीज और थर्ड ग्रुप में 2 टॉफीज. ओके, तो टोटल मिला के आप कितनी टॉफीज होंगे, 6 टॉफीज. ये हो गया आपका बाय एडिशन, एडिशन के बेस पे. ओके, अब हम मल्टीप्लिकेशन का यूज इसमें कहाँ करेंगे. अब देखिए हम इसको मल्टीप्लिकेशन के द्वारा भी निकाल सकते हैं कि टोटल कितनी टॉफीज हैं. ओके, तो कैसे कर सकते हैं, अब देखिए मल्टीप्लिकेशन में हम मल्टीप्लिकेशन के थ्रू कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हम कैसे करेंगे. सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कितने ग्रुप हैं, 1 2 3 ग्रुप्स हैं, 3 ग्रुप, और हर ग्रुप में देखिए सेम टॉफीज़ हैं. फर्स्ट ग्रुप में कितनी टॉफीज़ हैं, 2, हमने 2 राइट कर दिया. अब हम 3 में जितने ग्रुप्स हैं और प्रत्येक ग्रुप में इतनी टॉफीज़ हैं उनको हमने राइट कर दिया. अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6. अब देखिए यहाँ पर 6 टॉफीज़ यहाँ हैं और यहाँ पे भी आपने ऐड करके निकाला था 6 टॉफीज़, यहाँ मल्टीप्लाई के द्वारा हमने निकाल लिया 6 टॉफीज़. ओके, इस तरह से हम चाहे इसको मल्टीप्लिकेशन के थ्रू चाहे एडिशन के थ्रू इसको कर सकते हैं. अब हम मल्टीप्लिकेशन के थ्रू इसलिए करते हैं, यहाँ पर बच्चों हमने 2 टॉफीज़ ले ली तो आपने ईजिली बता दिया, बट अगर आपको ज़्यादा डिजिट लेना पड़े, ज़्यादा नंबर्स लेना पड़े,
तब आप कब तक ऐड करोगे, इसलिए हम मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हैं ताकि हम उसको जल्दी से जल्दी उसको सॉल्व कर सकें, उसका रिजल्ट निकाल सकें, उसको ईजिली क्या करें निकाल सकें कि हाँ वो कितना है क्या है। ओके, लुक एट द पेज। देखिए यहाँ पर जो हमने आपको समझाया, देखिए यहाँ पर समझाया गया आपको इजली, यहाँ पर क्या है बनाना ड्रॉज हैं। ओके, बनानास हैं। अब आप देखिए यहाँ बनानास के कितने ग्रुप्स हैं, 1, 2, 3 ग्रुप्स हैं, 3 ग्रुप्स ऑफ 2 बनानास। कितने बनानास के, 2 बनानास के। अब हमको काउंट करना है कि टोटल कितने बनानास हैं, तो हम इजली इनको ऐड कर लेंगे, 2 + 2 + 2 = 6 बनानास। अब इसको हम एडिशन के थ्रू कैसे कर सकते हैं, एडिशन के थ्रू हम क्या करें, कितने ग्रुप हैं, 1, 2, 3 ग्रुप्स हैं, और कितने बनानास हैं हर ग्रुप में, 2 बनानास हैं, तो हम 3 का क्या करेंगे, 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 = 6। ये हमने मल्टीप्लिकेशन के थ्रू निकाल लिया और ये हमने एडिशन के थ्रू। ओके, इसी तरह से यहाँ पे देखिए क्या है, फ्लावर है, फ्लावर ऑफ बंचेज। सॉरी, बंचेज ऑफ फ्लावर्स। ओके, फ्लावर का क्या है, बंच है, तो कितने बंचेज हैं यहाँ पे, 1, 2, 3 बंचेज हैं। हर बंचेज में कितने फ्लावर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5 फ्लावर्स हैं। यहाँ पर देखिए 3 बंचेज ऑफ 5 फ्लावर्स, हर बंचेज में हर गुच्छे में 5 फ्लावर्स हैं। अब आपसे पूछा जाए टोटल कितने फ्लावर्स हैं, तो आप तो अगर ऐड करके निकालना है तो इसको ऐड करेंगे, 5 + 5 + 5। ओके, टोटल कितने हो गए, 15 फ्लावर्स हो गए। अब हमें मल्टीप्लिकेशन के थ्रू निकालना है, यहाँ देखिए ब्लैंक है, हमें क्या करना है, यहाँ पर फिल करना है, तो आप यही करोगे ना, पहले 5 ऐड करोगे, सेकेंड 5, थर्ड 5, ऐड करके यहाँ पर 15 फ्लावर्स ऐड करेंगे। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, आप या तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितने बंचेज हैं उसमें हर बंचेज में जितने फ्लावर्स हैं 5 हैं उनका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 5 = 15, यहाँ पर 15 ऐड करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 ऐड करेंगे, +5 + 5 = 15, 3 × 5 = 15। ओके, इसी तरह से हम सी इसको भी करेंगे। यहाँ देखिए क्रेयॉन्स हैं, कितने क्रेयॉन्स हैं, कितने ग्रुप हैं, 1, 2, 3, 4 ग्रुप्स हैं क्रेयॉन्स के। ओके, 4 ग्रुप्स हैं, 4 बंचेज हैं। अब हम इनको क्या करना है, हमें इनको ऐड करके भी निकाल सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन के भी थ्रू निकाल सकते हैं। ऐड करके हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे फिल करना आपको, ब्लैंक है, तो आप क्या फिल करोगे, आपको कितना, हाँ 3 ऐड करना है, फिर 3 + 3 + 3 + 3 + 3, एडिशन के थ्रू हो गया आपका यहाँ पे। ओके, अब मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, सबसे पहले कितने बंचेज हैं उनको राइट करेंगे, 1, 2, 3, 4 बंचेज हैं, यहाँ पे 4 राइट कर लिया आपने, और प्रत्येक बंचेज में कितने क्रेयॉन्स हैं, 1, 2, 3, सब में 3 क्रेयॉन्स हैं, हम 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 3 = 12, देखिए यहाँ पर 12 आ गया। इसी तरह से आप इसको भी फिल कर लोगे, 4 ग्रुप ऑफ 4 टॉफीज, यहाँ देखिए 4 टॉफीज हैं जिनका 4 ग्रुप बना हुआ है, 1, 2, 3, 4 4 ग्रुप्स हैं, इनको आप ऐड करोगे तो आपको पता चला कि टोटल कितने टॉफीज हैं। आपको मल्टीप्लिकेशन के थ्रू भी यहाँ शो करना है, तो एडिशन के थ्रू पहले आप इसको 4 + 4 सब ऐड कर लोगे, 4 + 4 + 4 + 4, 1, 2, 3, 4, 4 टाइम्स 4, देखिए 1, 2, 3, 4। अब हम इनको ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे इसको, 4 + 4 = 8, 8 + 4 = 12, 12 + 4 = 16। या फिर आप क्या करोगे, कितने ग्रुप्स हैं, 1, 2, 3, 4, हर ग्रुप्स में कितनी टॉफीज हैं, 4 है, तो 4 का हम यहाँ पर देखिए ग्रुप राइट्स है और हर ग्रुप में 4 टॉफीज हैं, 4 × 4 = 16। इस तरह से आप वो सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट आपका कंप्लीट द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 5 and 10, यहाँ पर आपको 5 और 10 का मल्टीप्लिकेशन राइट करना है। ओके, कंप्लीट करना है इसको, तो यहाँ पर 5 है, देखिए 5 है, यहाँ 20 राइट है आपका, 35 है, बीच बीच में जो ब्लैंक है इनको आपको फिल करना है, तो 5 यहाँ 5 × 1 = 5, 5 × 2 =, यहाँ 5 है, यहाँ पे टाइम्स भी दिया हुआ है आपका, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टाइम्स, और मल्टीप्लाई 5 से हमें 1 में मल्टीप्लाई करना है, 5 × 1 =, यहाँ 5 हमने लिख दिया,
अब फाइव का हम टू में मल्टीप्लाई करेंगे, फाइव टू जा टेन, ओके। इसी तरह से फाइव का हम थ्री मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ राइट करेंगे, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, फाइव का फोर मल्टीप्लाई ट्वेंटी, फाइव का फाइव में मल्टीप्लाई करेंगे ट्वेंटी फाइव, फाइव का सिक्स मल्टीप्लाई करेंगे थर्टी, फाइव सेवन जा थर्टी फाइव, फाइव एट जा फोर्टी, फाइव नाइन जा फोर्टी फाइव, फाइव टेन जा फिफ्टी, ओके। इस तरह से हम इसको फिल करेंगे, इसी बेस पे आप इसको भी कर लोगे कंप्लीट, ओके। इसमें हमको टेन का टेबल रीड करना, वन में मल्टीप्लाई करना, टू में, थ्री में, फोर टाइम, फाइव टाइम, इस तरह से फिल करोगे। देखिए एक्सरसाइज 5.1 में आपको जो है इसी बेस पे करना है। सबसे पहले हम यू ट्राइड इसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ देखिए सेवन एट जा फिफ्टी सिक्स, आप इसको अगर सीरीज को इसको क्रम को चेंज भी कर दोगे तो भी मल्टीप्लिकेशन में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ओके। एट सेवन जा सेवेंटी सॉरी एट सेवन जा फिफ्टी सिक्स पढ़िए या फिर सेवन एट जा फिफ्टी सिक्स, ओके, दोनों आपका फिफ्टी सिक्स ही आएगा। इसी तरह से इसमें थ्री फाइव जा फिफ्टीन, इसको उलट करके आप पढ़िए, फाइव थ्री जा तो भी आपका फिफ्टीन ही आएगा। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं फाइव, यहाँ पे देखिए एट फोर जा थर्टी टू, इसी क्रम को हम चेंज कर दिया तो फोर एट जा, यहाँ पर क्या मिस है, फोर मिस है आपका, एट फोर एट जा या एट फोर जा, थ्री फाइव जा या फाइव थ्री जा, मल्टीप्लाई बाय रिपीटेड एडिशन, ये क्या है रिपीटेड एडिशन, इसको हमें क्या करना है ऐड करके भी राइट करना है और मल्टीप्लाई करके भी राइट करना है, तो ये आप खुद से करोगे, ओके। हम पहले यहाँ पे ऐड करके राइट करेंगे फिर यहाँ मल्टीप्लाई करके राइट करेंगे, ओके। मल्टीप्लाई ऑन दी नंबर लाइन, यहाँ पे हमें नंबर लाइन पर मल्टीप्लाई करना है, कैसे करना है, देखिए सेवन का हमें क्या करना है, सेवन का टू से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ टू देखिए यहाँ पर टेबल ये लाइन है, ये क्या है नंबर लाइन है, यहाँ पर 50 तक काउंटिंग की हुई है, यहाँ पर नंबर राइट है 15 तक, आपको इसी पर दिखाना है कि हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए हमें सेवन है यहाँ पे टू है, दिस मीन्स हमें क्या है करना है टू 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 का आपको ग्रुप बनाना है, कितने टाइम सेवन टाइम, ओके। तो टू टू का आप ग्रुप बनाओगे सेवन टाइम या फिर टू का टेबल रीड करोगे तो ईजली आप कर लोगे। यहाँ देखिए हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, टू टू का हमें ग्रुप बनाना है इसलिए हम टू जाएंगे, टू पर आएंगे, टू वन जा टू, ओके। फिर नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर टू टू, यहाँ पर टू टू नंबर हम क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, यहाँ देखिए वन टू, फिर टू टू नंबर इंक्रीज हुआ फोर, फिर टू नंबर इंक्रीज हुआ सिक्स, फिर टू नंबर इंक्रीज हुआ एट, फिर टू टेन, फिर टू ट्वेल्व, फिर टू फोर्टीन, ओके। ये क्या हो गया सेवन टाइम हो गया आपका। अब यहाँ से देखिए टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू टाइम होगा, टू थ्री जा सिक्स, थ्री टाइम हुआ, टू टू का ग्रुप, टू फोर जा एट, फोर टाइम, टू फाइव जा टेन, टू सिक्स जा ट्वेल्व, टू सेवन जा फोर्टीन, सेवन टाइम, देखिए सेवन टाइम आप कहाँ पर हैं फोर्टीन पर, ओके। इस तरह से आप यहाँ पे नंबर लाइन पर शो कर सकते हो कि हम नंबर लाइन पर मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं, ओके। नाउ लुक हियर, हमें थ्री का फोर से मल्टीप्लाई करना है, हमें थ्री ग्रुप बनाना है फोर फोर का, ओके। फोर फोर का थ्री ग्रुप बनाए या फिर थ्री या फिर आप थ्री थ्री का फोर ग्रुप बनाइए, ओके। अब चलिए हम फोर सीधे सीधे आप टेबल राइट रीड करिए फोर का, ओके। हम थ्री थ्री ग्रुप बनाएंगे फोर का थ्री टाइम, ओके। फोर का ग्रुप बनाएंगे थ्री टाइम, यहाँ से जीरो से स्टार्ट करते हैं और फोर वन टू थ्री फोर, फोर ग्रुप, फोर वन जा फोर, देखिए हमें कितने टाइम्स थ्री टाइम्स ले जाना, ओके। फोर वन जा फोर, फोर टू जा एट, फोर टू जा एट पर आ गए हम, एट देखिए आप वन टू थ्री फोर, फोर ग्रुप है ना, फोर टू जा एट, फोर थ्री जा आपका ट्वेल्व, ओके। ये आपका ट्वेल्व है, फोर थ्री जा ट्वेल्व, यहाँ भी फोर ग्रुप बन गया, हमें कितने थ्री टाइम ले जाना था, फोर थ्री जा ट्वेल्व, यहाँ पर आपका क्या आ गया ट्वेल्व। अब तब यहाँ पर आप राइट कर दोगे फोर थ्री जा ट्वेल्व, ओके। इसी तरह से हम इसको करेंगे, ओके।
करें, यहाँ पर हम थ्री का टेबल रीड करेंगे फाइव टाइम, ओके। दिस मीन्स थ्री थ्री का ग्रुप बनेगा आपका फाइव टाइम, ओके। तो हम थ्री का टेबल रीड करते हैं, थ्री वन जा थ्री, देखिए यहाँ जीरो से स्टार्ट करेंगे हम, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, टू टाइम्स हमें कितने टाइम्स लेना, फाइव टाइम्स, फाइव टाइम्स थ्री, थ्री टू जा सिक्स हो गया हमारा, थ्री थ्री जा नाइन, ओके। ये देखिए यहाँ पर थ्री थ्री का ग्रुप बन रहा है, वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री, ओके नाइन, थ्री थ्री जा नाइन, हमें फाइव टाइम करना, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री फोर जा ट्वेल्व, थ्री फाइव जा फिफ्टीन, ओके। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, राइट मल्टीप्लिकेशन फैक्ट टू शो दैट द प्रोडक्ट डज नॉट चेंज इवन इफ द ऑर्डर नंबर इज चेंज्ड। यहाँ पर देखिए फिगर के थ्रू आपको समझाया गया है कि अगर मल्टीप्लिकेशन में हम ऑर्डर को चेंज कर देते हैं तो भी उसके प्रोडक्ट में कोई चेंजिंग नहीं आती। प्रोडक्ट में जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आता है वो क्या कहलाता है, वो प्रोडक्ट कहलाता है। जैसे इसमें देखिए थ्री टू जा सिक्स, ओके, सिक्स क्या है हमारा प्रोडक्ट है, पर इसके हम ऑर्डर को अगर चेंज कर देते हैं, ऑर्डर मीन्स यहाँ पे देखिए थ्री मल्टीप्लाई बाई टू, टू टू का ग्रुप बनाया गया है, ये वन टू थ्री, थ्री ग्रुप बनाया है, टू टू का, टू टू स्ट्रॉबेरी के थ्री ग्रुप्स बनाए गए हैं, वन टू थ्री ग्रुप्स बनाए गए हैं, तो थ्री टू या सिक्स। बट अगर हम इसको चेंज कर दें, अगर हम स्ट्रॉबेरी के टू ग्रुप्स बनाए, थ्री थ्री स्ट्रॉबेरीज के, ओके, थ्री थ्री स्ट्रॉबेरीज के टू ग्रुप बनाए, थ्री के बजाय अगर हम टू ग्रुप्स कर दें और इस ग्रुप्स में हम टू का मल्टीप्लाई करें, कितने ग्रुप्स हैं टू, और कितनी स्ट्रॉबेरीज हैं हर ग्रुप में थ्री, ओके। इस ऑर्डर को अगर हम चेंज कर दें, थ्री मल्टीप्लाई बाई टू के बजाय अगर हम टू मल्टीप्लाई बाई थ्री कर दें तो भी हमारे प्रोडक्ट में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, टू थ्री या सिक्स, ओके। ये आपको फिगर के थ्रू समझाया गया, ये बाकी जो क्वेश्चन है वो भी इसी बेस पे हैं। यहाँ पे देखिए ग्रुप चेंज कर दिया गया, टोटल उतना ही है, केवल क्या किया गया आपको, ग्रुप चेंज कर दिया गया है ताकि आप उसके थ्रू आप जो है इसको मल्टीप्लाई करके इसका प्रोडक्ट निकाल सकें और चेक कर सकें इसके प्रोडक्ट में कोई चेंजिंग नहीं आती है, ओके। यहाँ देखिए फोर मल्टीप्लाई बाई टू, टू टू का ग्रुप बनाया गया है, कितने ग्रुप्स हैं फोर, टू टू के वन टू थ्री फोर ग्रुप्स बनाए गए हैं, ओके। फोर का टू में मल्टीप्लाई करेंगे हम, फोर टू या एट, फोर टू या एट। नेक्स्ट हम अगर हम इसको चेंज कर देते हैं, अगर हम टू टू ग्रुप्स बनाने के बजाय हम फोर 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 का ग्रुप बनाते हैं, ओके। हमने यहाँ पर फोर ग्रुप्स बनाया था टू टू बॉल्स का, ओके, फोर ग्रुप हमने बनाया टू टू बॉल्स का। अब इसके हम अपोजिट करके टू ग्रुप्स बनाए फोर फोर बॉल का, यहाँ देखिए टू ग्रुप्स फोर फोर बॉल्स का, इसको हमने चेंज कर दिया तो भी हमारे प्रोडक्ट में कोई चेंजिंग, इसको ऐड करने पर उतना ही आएगा, देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ओके। फोर का मल्टीप्लाई करेंगे आप टू में, फोर टू या एट। इस तरह से इजीली आपके कहने का मतलब है बच्चों कि अगर हम इसके ऑर्डर में चेंज कर दें, चाहे फोर टू या एट इसको रीड करें, चाहे टू फोर या एट, टू फोर या एट, फोर टू या एट, इसको उलट के रीड करें तो भी हमारे प्रोडक्ट में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ओके। इसी तरह से आप इसको भी फिल करोगे, यहाँ देखिए फोर राइट है, ओके। यहाँ पर आपको क्या फिल करना है, यहाँ पर आंसर भी दे दिया गया आपका ट्वेल्व फोर। अब यहाँ देखिए फोर ग्रुप्स बने हुए हैं, वन टू थ्री फोर, यहाँ पे फोर ग्रुप्स, टॉफीज़ के कितने ग्रुप्स हैं फोर, वन टू थ्री फोर, फोर ग्रुप्स हैं, हर ग्रुप्स में कितनी टॉफी हैं थ्री हैं, तो यहाँ पर हम क्या राइट करेंगे थ्री, ओके। फोर थ्री जा ट्वेल्व, हम यहाँ पर इसके ऑर्डर को अगर चेंज कर देते हैं, फोर थ्री जा ट्वेल्व था, इसको हम उलट करके थ्री थ्री राइट कर दें, थ्री मीन्स आपका थ्री ग्रुप बन गया, ओके। कितने कितने टॉफीज का फोर, वन टू थ्री, थ्री टॉफीज थ्री ग्रुप बना दिया गया आपका फोर टॉफीज का, ओके। तो फोर थ्री जा ट्वेल्व, यहाँ पर ट्वेल्व आ गया। इसी तरह से आप इसको भी फिल करोगे, ओके। फिल करके आप इसको कॉपी में क्या करेंगे, ड्रा करेंगे, ओके। आपको ये कॉपी में करना है, आपको एक्सरसाइज 5.1 ये कम्प्लीटली कॉपी में करना है, ओके। ये जो एक्सरसाइज 5.1 है आपको ये कॉपी में करना है और इसको भी अपनी कॉपी में क्या करना है, ड्रा करना है।